हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। आप देख रहे हैं नेक्स्ट वीक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ल्यूकोकाइट्स। जी हाँ, और इससे पहले के टॉपिक यानी ये जो चैप्टर है वो 18 है, क्लास है 11, सब्जेक्ट है बायोलॉजी। पहले के टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा लिम्फ यानी इसके आगे का टॉपिक वो भी हम कवर कर चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ल्यूकोकाइट्स, जो ल्यूकोकाइट्स है उसका दूसरा नाम जो कि WBC है, आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो यही है कि इसका दूसरा नाम WBC है। और अगली बात क्या कि मान लो कि ये जो आपको इमेज दिख रही है उसमें आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो RBC है वो एक सेल को RBC कहेंगे, दूसरी को भी RBC, तीसरी को भी RBC। बट WBC में ऐसा नहीं है, क्योंकि WBC में मान लो एक को आपने WBC कह दिया, उसको भी WBC और इसको भी WBC। लेकिन हमें ये नहीं पता भैया कि ये वाला कौन सा टाइप का WBC है, ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा, बिकॉज वर्सेटिलिटी इज सो मच। क्योंकि भाई इतना ज़्यादा उसका टाइप है, टाइप इतने ज़्यादा हैं WBC की कि ये नहीं पता चलता। तो चलिए उसको सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर कहीं नीट वगैरह कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, राइट द कलर ऑफ द ल्यूकोकाइट्स, और वहाँ पे आपको कलर दे दिया जाए, एक ऑप्शन या तो कलरलेस दे दिया जाए, तो आप मारे हो कहीं किसी कलर पे, ऐसा मत करना, बिकॉज इट इज़ कलरलेस, ठीक है। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन नहीं होता। उसके बाद अच्छी और बड़ी बात क्या है, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, RBC जो थे मैमल्स के अंदर स्पेशली वो थे नॉन न्यूक्लिएटेड, उसमें न्यूक्लियस नहीं था, एक्सेप्शन थे मैमल्स में कैमल और लामा। और यहाँ पे हमारे पास अच्छी तरीके से न्यूक्लियस वाले हैं ये ल्यूकोकाइट यानी WBC, ठीक है। और ये RBC से लेस होते हैं नंबर में। मैं आपको दोनों तरफ का रिविजन सा करा रहा हूँ। RBC काफ़ी ज़्यादा नंबर होता है, इनका कम होता है नंबर। आपको अगर आंकड़े बता दूँ तो 6000 से 8000 पर MM³ ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद ये, हाँ, RBC का जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे उस वीडियो में, वो लाइफ स्पेन बताया था यानी उसका कितने टाइम तक ज़िंदा रहती हैं, वो 120 दिन था। बट ये जो हैं ये उससे कम ज़िंदा रहती हैं। कितना लाइफ स्पेन है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप ढूंढ के लेके आओ, ठीक है जी। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमारे पास दो मेन कैटेगरी हैं WBC। अब WBC के हमारे पास दो टाइप, अब मैं टाइप में जा रहा हूँ, घुस रहा हूँ अंदर, और आप समझिए, ठीक है। WBC के दो टाइप मेनली, पहला ग्रैन्यूलोसाइट, दूसरा एग्रैन्यूलोसाइट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ वाला चीज़ है, अगर आपको अच्छी तरीके से याद ना हुआ, जैसे ल्यूकोकाइट, ग्रैन्यूलोसाइट, एग्रैन्यूलोसाइट एंड मच मोर, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। इन सबको आपको याद करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो पहली बात, ल्यूकोकाइट्स के दो टाइप, ग्रैन्यूलोसाइट्स और एग्रैन्यूलोसाइट। जो जी है वो ग्रैन्यूलोसाइट, AG है एग्रैन्यूलोसाइट। उसके बाद एक ग्रैन्यूलोसाइट के भी तीन टाइप, एक है न्यूट्रोफिल, दूसरा ओसिनोफिल और तीसरा बेसोफिल। अब भैया ऐसा मत समझना कि इनको छोड़ दो, कोई नहीं, छोटे छोटी चीज़ें हैं, सिर्फ मेन ल्यूकोकाइट्स को याद कर लो, नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न है क्योंकि इनका जो हमारे पास काम है, वर्क है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रैन्यूलोसाइट के तीन टाइप थे, न्यूट्रोफिल, ओसिनोफिल, बेसोफिल। एग्रैन्यूलोसाइट के दो टाइप थे, एक मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट, ठीक है जी। अब इनके काम पर बढ़ते हैं। अच्छा, काम पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ फिजिकल ओवरव्यू। फिजिकल ओवरव्यू में क्या पढ़ रहे हैं कि जो न्यूट्रोफिल हैं, न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ WBC। भैया कन्फ्यूजन ऐसा मत रखना कि आपने तो बताया था RBC आर द मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ ब्लड। यस, ब्लड की सबसे ज़्यादा अबंडेंट सेल होती हैं RBC, लेकिन हमारे पास WBC होल मतलब ल्यूकोकाइट्स की सबसे ज़्यादा अबंडेंट सेल है न्यूट्रोफिल। अब भैया मैं WBC स्पेसिफिक WBC की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट है क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल, ठीक है। उसके बाद बेसोफिल, सेम एक ही बाप की औलाद हैं ये ग्रैन्यूलोसाइट की। ग्रैन्यूलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ओसिनोफिल, ओसिनोफिल को हटा दो, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा अबंडेंट और बेसोफिल लीस्ट अबंडेंट, सबसे कम मिलती हैं, ठीक है। नाम बड़ा छोटा है इसका मतलब बेसोफिल बेचारे का, लेकिन फंक्शन भैया बहुत बड़ा है। चलो फिर शुरुआत करते हैं फंक्शन की। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, अच्छा इनकी इमेज भी आपको दिख जाएंगी, ठीक है। न्यूट्रोफिल जो हैं और मोनोसाइट, अब भैया दो अलग अलग बाप की औलाद हैं ये, साथ मिल के काम कर रहे हैं दोनों भाई, क्योंकि चाचा भतीजे कई तो हैं, ठीक है। सुनो आप,
ल्यूकोकाइट्स के दो टाइप थे, ग्रेन्युलोसाइट एग्रेन्युलोसाइट। फिर ग्रेन्युलोसाइट के तीन टाइप थे, न्यूट्रोफिल बेसोफिल ऑसिनोफिल, और एग्रेन्युलोसाइट के दो टाइप थे, मोनोसाइट लेम्फोसाइट। तो उसी एग्रेन्युलोसाइट का मोनोसाइट और उसी ग्रेन्युलोसाइट का न्यूट्रोफिल, ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों मिलके काम करते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, फॉरेन सब्सटेंस को मिटाना, यानी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो भी एंट्रिंग हो रहे हैं बॉडी में उनको डिस्ट्रॉय करना। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मेन काम है WEC का, ठीक है। लेकिन और भी काम है, आगे बढ़ो, सुनो। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो बेसोफिल है, इसके बाद आती है बेसोफिल। तो बेसोफिल भैया लीस्ट थे, अब सुनो, काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, तो सुनना। ये जो बेसोफिल है ये भैया तीन तरीके के या तीन से ज़्यादा प्रोटीन सीक्रेट करता है। यहाँ NCERT में तीन दिए हैं जिनका नाम भी आपको याद करना ही करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि भैया नीट में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, कम से कम NCERT से तो ज़रूर, ठीक है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, तीन तरीके के प्रोटीन ये बेसोफिल सीक्रेट करते हैं। और ये इनका काम अब काय में इन्वॉल्व होते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी सूजन, आई थिंक सूजन, गूगल पर चेक कर लेना शायद, ठीक है, कोई बात नहीं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं जो भी बेसोफिल होते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में बेसोफिल नहीं, बेसोफिल जो सीक्रेट करते हैं वो होते हैं, मतलब हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, ये होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। लेकिन क्योंकि इन्हें बेसोफिल ही सीक्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो इनका काम हो गया। इसके बाद हम आते हैं ऑसिनोफिल। तो ऑसिनोफिल में क्या है, ये रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शंस को। इन्फेक्शन जो होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे मान लो इस चीज़ से इन्फेक्शन हो गया, उस चीज़ से काफ़ी सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कोई दवाई लगाई या कुछ लगाया उसी से ठीक नहीं होते, हर चीज़ को ठीक करना होता है हमारे बॉडी का काम। वो तो जो दूसरी चीज़ हम लगाते हैं वो हेल्प करती है, हमारी बॉडी अगर प्रयास नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऑसिनोफिल का भी काम समझ लो, ये इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब रेजिस्ट करते हैं उस इन्फेक्शन को। दूसरी बात, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनमें ये इन्वॉल्व होते हैं, उनको रोकते हैं। और उसके बाद हमारे पास तीसरा और फाइनली आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम, ठीक है, देखो सबका काम हो गया, ग्रेन्युलोसाइट एग्रेन्युलोसाइट का, अब बस एग्रेन्युलोसाइट का लिम्फोसाइट बचा है, उसका काम बचा है। तो लिम्फोसाइट का काम आई थिंक आप सबको पता ही होगा या होना चाहिए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। इनके दो मेजर टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट। अगर आप 12th में हो या जब आओगे या अगर आपने कर लिया हो तो 12th में बहुत अच्छी तरीके से बड़ी कहानी है लिम्फोसाइट की, जहाँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाती है। ये इम्यून रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, जो भी बाहर का पार्टिकल यानी एंटीजन वगैरह आता है उनको रोकने का यही काम करते हैं, तो वो अंदर ना घुस पाए या वो अंदर आके कोई बीमारी ना कर पाए, उसको रोकने के लिए इम्यून रेस्पॉन्स बनाते हैं। और फिर वहाँ से हमारे पास ओरिजिनेशन होता है एंटीबॉडीज़ का। कभी टाइम दूंगा और अच्छे से पूरी वीडियो बनाऊंगा इम्यूनिटी पे, क्योंकि 12th का तो भैया पूरा चैप्टर ही इसी पे भेजते हैं और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है वो भी। तो यहाँ पे ल्यूकोकाइट्स का काम हो गया है आपका, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आजकल में, ठीक है। और इसके अलावा इसके नोट्स जो मैं, मतलब क्या कहते हैं, पॉइंट वाइज, अगर आपको पॉइंट वाइज याद होता है तो मैं पॉइंट वाइज बनाए हुए नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में ही। हाँ, अभी नहीं होंगे तो कुछ दिन बाद आप देख लेना, बट मिल जाएंगे। तो ठीक है, बाय बाय, अब ये टॉपिक मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, अगला आएगा प्लेटलेट्स, ठीक है, चलिए बाय बाय।